पर दिगोरी परिसर में नागद्वार स्वामी मंदिर के पास झाड़ियों में एक युवती से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले युवक की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया। घटना को लेकर कुछ समय के लिए तनावपूर्ण माहौल भी हो गया था। इस मामले की जांच वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कविता इसारकर ने की। उमरेड रोड पर दिघोरी परिसर में नागद्वार स्वामी मंदिर के पास झाड़ियों में एक युवती से जबरन दुष्कर्म का प्रयास करने वाले युवक की भीड़ ने पिटाई कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। घटना को लेकर कुछ समय के लिए माहौल भी खराब हो गया था, लेकिन सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कविता इसारकर ने भीड़ को शांत किया। जी, कल पेट्रोलिंग के दरमियान 8:30 बजे के आसपास कंट्रोल से कॉल आया था कि एक महिला के साथ दुष्कर्म होने की वहाँ पे घटना उनको पता चली थी दिगोरी के पास, नाग मंदिर के पास। तो वहाँ पे हमारे बीट मार्शल्स गए और हम गए, तो वहाँ जाने के बाद पता चला कि एक लड़की जो काम से शाम को आई थी 8 बजे के आसपास, और वहाँ से वो अपने घर की तरफ जा रही थी। तो वहाँ पर बाज़ार भी है, अंदर की तरफ थोड़ा सा अंधेरा है। वहाँ जाते वक्त पीछे से किसी ने उसके मुंह पे हाथ रखा और उसके दोनों हाथ भी पकड़ लिए, और वहाँ पे जो झाड़ी है उसमें वो लेके गया। तो सामने के घर में रहने वाले एक लेडी है, उनको थोड़ी भनक लगी, और बाजू में एक पूजा सामग्री का दुकान है, वो अंकल को भी थोड़ा सा समझ में आया, कुछ आवाज़ आई उनको, तो वो वहाँ पर गए और उन्होंने उसको बाहर निकाला। और फिर वो लड़की ने आवाज़ दी और आजू बाजू के लोग पास में वहाँ पे जमा हो गए, और फिर उन्होंने आरोपी को भी पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। जी, ये शेखर कोल्डी करके आरोपी है, जो कि भांडेवाड़ी में एक हलवाई के यहाँ काम करता है। वो पार्डी में रहता है, जो ग्रामीण में कुही के एरिया में आता है। उसके मम्मी और भाई होने की इंफॉर्मेशन हमको मिली है, और इसके अलावा इसका उस लड़की के साथ ऐसा कोई संबंध अभी तक सामने नहीं आया है। पता चल रहा है कि किसी ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली युवती शाम को घर की ओर जा रही थी। इस दौरान उमरेड रोड पर घात लगाकर बैठा युवक युवती का मुंह दबाकर झाड़ियों में ले गया और दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। इसी बीच किसी व्यक्ति की नजर युवती पर पड़ गई। कुछ समय बाद ही वहां भीड़ जमा हुई और युवती को आरोपी से छुड़ाने के बाद भीड़ ने उस युवक की जमकर धुनाई कर दी। फिलहाल वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के अनुसार आरोपी युवक पर छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।